तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए, इसे एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरें, जी हां, 2024 चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार गठन को लेकर आ रही है ताजा बड़ी खबरें जानेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज। दूसरी तरफ राहुल गांधी कर सकते हैं बड़ा खेला बीजेपी साथ, पूरी अपडेट आगे जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है बड़ा बदलाव, योगी आदित्यनाथ देंगे इस्तीफा। जी हां, संजय राउत का बड़ा दावा, योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने को फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। उनके इस कदम पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की एक चाल है। उन्होंने दावा किया कि नई एनडीए सरकार के दिन गिने चुने रह गए हैं। आपको बताते चले, एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी को शपथ लेने दीजिए, हम मिठाई बांटने का सुझाव इन्हें देंगे, यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में था, दोनों की पार्टियां विभाजित हो गई उनके नाम पर और चुनाव चिन्ह बागियों को दिए गए थे। यहां पर संजय राउत की बड़ी प्रतिक्रिया निकल के आई। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कुर्सी भी जा सकती है। जी हां, बदलाव के आसार राजस्थान में भी, जहां 19 में बीजेपी ने 25 की 2500 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी को झटका लगा। हार की रिपोर्ट के साथ आज सीएम पहुंचेंगे दिल्ली। बीजेपी का प्लान यहां पे कुछ बड़ा करने का है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए आगे की राह आसान नहीं लग रही है। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की रिपोर्ट लेकर आज वह दिल्ली रवाना होंगे। नवंबर में राजस्थान में लोकल बॉडी चुनाव होने हैं, इससे पहले यहां पे ये बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। देख सकते हैं, अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है, हार की समीक्षा की रिपोर्ट यहाँ पे उनसे मांगी जा रही है। उसी तरफ एक बिग ब्रेकिंग न्यूज बिहार से निकल के आ रही है, नीतीश कुमार के घर जेडीयू की बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा, सूत्रों ने दी बड़ी जानकारी। बीते दिन एक ही प्लेन से दिल्ली पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, जहां पर मुलाकात भी हुई, यहां पर अभिवादन किया एक दूसरे का दोनों नेताओं ने। वहीं अब नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू की आज एक बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर भी यहां पर चर्चा होने की प्रबल संभावना मानी जा रही है। नहीं, दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है, टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से देगी समर्थन। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा, एनडीए का संयोजक पद भी मांगा। नई सरकार को लेकर बहुत बड़ी खबर है, सरकार गठन से पहले एनडीए का सरदर्द बढ़ता जा रहा है। ये सभी शीर्ष पद वो हैं जो अभी तक बीजेपी अपने पास रखती आई है, जब पूर्ण बहुमत मिलता था, लेकिन अब उसके लिए नया सरदर्द बन गया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने, जो टीडीपी है, उसने 6 बड़े मंत्रालय मांगे हैं। लोकसभा चुनाव रिजल्ट में टीडीपी जेडीयू दोनों ही पार्टियां किंग मेकर बनकर उभरी हैं। ऐसे में उनकी तरफ से प्रमुख मंत्रालयों पर दावा भी ठोका जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। जी हां, जहां एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ की पूरी यहां पे गणित लगाए बैठा है। इंडिया गठबंधन सरकार जरूर बनाएगा, बस चाहे एक दिन बाद बने या एक महीने बाद बने या फिर एक साल बाद बने, लेकिन यहाँ पे इंडिया गठबंधन सरकार इस बार जरूर बनाएगा, ये यहाँ पे सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बताते चले, राहुल गांधी बन सकते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। कांग्रेस सांसद ने उठा दी मांग, पार्टी अंदर खाने में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भले ही बहुमत मिल गया हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी जो शानदार प्रदर्शन किया है वह किसी से कम नहीं है। वहीं ये भी साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेके चर्चा तेज होती जा रही है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी बन सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभाले और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इसी बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी खुल के राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की है।
देख सकते हैं राहुल गांधी ये बड़ा पद ले सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ पे दबाव बनता जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान निकल के आया, यूपी सरकार को नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, आज अगर चुनाव हो जाए तो गठबंधन जीत जाएगा। यूपी में चुनाव हो तो अखिलेश यादव वाला गठबंधन ही जीतेगा। अयोध्या ने असली मर्यादा पुरुषोत्तम सेवक को जिताया है। शिवपाल यादव आगे बोले, फैजाबाद मंडल में भाजपा का सफाया हो गया है। मायावती के चुनाव हारने पर भी शिवपाल यादव बोले, जैसे टिकट बदला लग रहा था ये भाजपा से मिली है, नेता जी नहीं है, उनके विचारों आदर्शों की जीत हुई है। ये यहाँ पे शिवपाल यादव ने बड़ी बात कही है, मायावती और बीजेपी सरकार को भी घेरा है। हार चुकी स्मृति ईरानी का विरोध अब पार्टी के अंदर ही तेज होता जा रहा है। स्मृति ईरानी के खिलाफ यहाँ पे कई बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। जो खबर निकल के आई उसके अनुसार भाजपा के कुछ नेताओं ने स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का विरोध कर दिया है शुरू। ये सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। विधायक पद छोड़ेंगे अखिलेश यादव। जी हां, कन्नौज से सांसद बने अखिलेश यादव आप विधायक का पद छोड़ेंगे। शिवपाल यादव को बनाएंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। केंद्र की राजनीति में सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में दिख रहे हैं अखिलेश यादव। जबरदस्त प्रदर्शन किया बीजेपी को पछाड़ा यूपी में समाजवादी पार्टी ने, जिसके बाद यहाँ पे समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल के आई। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बैठक में विपक्ष में बैठने का फैसला लिया और यहाँ पे भाजपा सरकार पर नजर रखने का भी फैसला किया। आपको बताते चलें, हर जगह इस समय बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिख रहा है। आने वाले महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव में इंडिया गठबंधन इसका पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह अल्पसंख्यक एनडीए सरकार वैसे भी 6 से 12 महीनों के भीतर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। बीते दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि चुनाव यहां पे मोदी की ये निजी हार है, बीजेपी की घृणा के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, वोट जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से कहा गया, जिन्हें संविधान पर भरोसा था वो लोग साथ आए, सही समय पर उन्होंने सही कदम उठाए। इंडिया गठबंधन फिलहाल अभी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज की बड़ी खबरें थी बिग ब्रेकिंग न्यूज जो अभी तक सामने निकल के आई है। क्लिक करके आप लोगों ने जानी इस एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।